मिडल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ने से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ युद्ध में उतरने का दबाव है। दो मोर्चों पर अमेरिका बुरी तरह घिर चुका है। अब बाइडेन युद्ध नीति बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है। इस बीच बाइडेन को डर है कहीं यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान न बन जाए, जिससे उसे भारी नुकसान उठाकर वहां से भागना पड़े। इस सर्दी में इतना बड़ा बारूदी जलजला आएगा जिसमें यूक्रेन तहस नहस हो जाएगा। और ज़ेलेंस्की का क्रीमिया जीतने का ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन जंग हारने वाला है। ज़ेलेंस्की सरेंडर पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन चुका है। इस सब का फायदा रूस उठाएगा। वो मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका और नेटो आखिर क्यों यूक्रेन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका बिना लड़े फंस गया है। उधर मिडिल ईस्ट में भी ईरान ने उसकी घेराबंदी कर ली है। यही वजह है कि रूस बेहद तेजी से एक प्लानिंग के तहत यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। अवदीप का जीतने के बाद रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से पूर्व और दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों में भगदड़ की स्थिति बन गई। हथियारों की कमी से वो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं। इस बीच अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि रूस ने सर्दियों में यूक्रेन को हराने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक सीक्रेट तौर पर मिसाइल तैयार की जा रही है। इसी तरह ड्रोन का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह थक जाएंगे, तब मिसाइल स्ट्राइक से रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका घिर गया है। अगर वो इसराइल का साथ नहीं देता तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन इसराइल में तबाही का सबसे विध्वंसक दौर ला देंगे। इसका असर ये होगा कि अरब देशों के बीच अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा, यानी अमेरिका ना तो यूक्रेन मोर्चे पर कुछ कर सकता है और ना ही मिडिल ईस्ट में हालात उसके काबू में है। और स्थिति अफगानिस्तान में 20 साल चले युद्ध से अमेरिका को भागना पड़ा था। हथियार छोड़ और दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट को छोड़ अमेरिकी सैनिकों ने तय समय सीमा से अफगानिस्तान खाली कर दिया था। यूक्रेन में भी हालात उसी तरफ जाते दिख रहे हैं। जीतने की सारी उम्मीदें दम तोड़ रही। दरअसल 2010 से 2012 के बीच 1,00,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे। इस दौरान 2400 सैनिकों की जान चली गई। 2011 और 2012 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर करीब 45,00,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2020 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में सिर्फ सेना पर ही 150,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया है। कॉस्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में करीब $3 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया। ये खर्च भारत की GDP से भी ज्यादा है। भारत की GDP ने हाल ही में $3 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल किया है। यूक्रेन में अमेरिका खुद को फंसा हुआ पा रहा है, इसलिए सेफ एग्जिट की प्लानिंग में है, यानी सम्मानजनक स्थिति बनाई जाए। इसकी जिम्मेदारी नेटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग को दी गई है, क्योंकि नेटो भी ये मान चुका है कि इन हालात में यूक्रेन का जंग जीतना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदलने वाली। हमें लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा, यानी या तो लंबा युद्ध लड़ो या फिर समझौता करो। और अमेरिका फिलहाल इस परिस्थिति में नहीं है कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों जगहों पर लंबा युद्ध लड़े, इसलिए अमेरिका फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट कर रहा है। और ये तस्वीर साफ हो गई
जब यूक्रेन रूस युद्ध और अरब में बढ़ते तनाव पर नेटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ब्रसेल्स में हुई, जिसमें रूस की शर्तों पर समझौते का रास्ता निकालने का मुद्दा भी उठा, क्योंकि नेटो ये बात समझ चुका है कि सर्दियों में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुज़नी से विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वालेरी काउंटर ऑफेंसिव में फेल हुए हैं। इसी का नतीजा है कि रूस इतना हमलावर है कि खेरसोन में बढ़त बना चुका यूक्रेन अब डिफेंसिव मोड में आ गया है। उसके सैनिक वहीं रुक गए हैं, जबकि रूसी सैनिक आगे बढ़ते हुए तबाही मचा रहे हैं। यहां तक कि टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बदले में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति सिर्फ खेरसोन और उसके पास के इलाके में, बाकी जगहों पर रूस हावी है। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता ओलेक्जेंडर शटकोन के मुताबिक रूस ने अपने तोपखाने की आग और हवाई हमलों को दोगुना कर दिया है, साथ ही बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जबकि नेटो को डर है कि जब रूस मिसाइल स्ट्राइक करेगा तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, आर्थिक तौर पर भी और उसके वर्चस्व को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।